हाँ जी भैजी, कंचा तुम नाश्ता नुश्ता होएगी? गजब बेइज्जती है। अच्छा अच्छा, अरे भैजी तुम तो नाराज होएगी, मैं थोड़ा सा आपको ले लूँ यूट्यूब में, बुरा तो नहीं मानेंगे? अच्छा मुझे बताएंगे बिलकेदार का रास्ता किधर है? तक आगे ये मुंडी लादी बल। गुड गुड वेरी। कुछ भी कुछ भी। नाक के अंदर पानी घुस गया गाइस। हेलो, हाय, आप कुछ बोलना चाहोगे? आज हमने चाइना के दो डिटेक्टिव पकड़े हैं, बहुत प्यारे डिटेक्टिव हैं, इनको हम यूज करेंगे चाइना के खिलाफ। मजाक कर रहे हैं, बहुत समझदार है, चाइना से ज़्यादा समझदार है, चाइना से ज़्यादा समझदार इंसान हमें मिल गया। आज इनको हैंड वॉश कराएंगे इनको। It's too much creepy, sleepy boy, guys. Hey guys, welcome back in my channel. मैं हूं दीपक नेगी और आज की इस वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूं एक ऐसी खास लोकेशन जहां पे हम सभी पहाड़ी जाया करते हैं। जून का महीना चल रहा है, गर्मी इतनी ज़्यादा अलझाट है कि झेलना काफ़ी टफ है, और डेट्स वाई वी हैव प्लान कि क्यों ना आज नहाने के लिए बिलकेदार जाया जाए। जी हाँ दोस्तों, बिलकेदार बेसिकली कीर्तिनगर लोकेशन में पड़ता है और कीर्तिनगर से आपका आई थिंक 4-5 किलोमीटर की डिस्टेंस में, और वहीं पे हम जाने वाले हैं। तो बने रहेगा पूरी वीडियो पे और देखते रहिएगा आज हम क्या फन करने वाले हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। टिल देन वेट एंड वॉच। तो दोस्तों फाइनली मैंने अपने फ्रेंड के साथ अभी प्लान किया है और अभी हम जा रहे हैं दोनों के दोनों बिलकेदार। बिलकेदार यहाँ से आपका 10-15 किलोमीटर की डिस्टेंस में और कीर्तिनगर से थोड़ा सा ही आगे, तो वहाँ से थोड़ा कच्चा ट्रैक है, बट स्टिल वी विल ट्राई टू टेक अ ब्यूटीफुल सिनेमेटिक शॉट्स जो भी हम ले सकते हैं। एंड आई बिलीव कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। एंड दिस इज़ माय फ्रेंड राहुल भगत, जिसकी आपने अर्लियर वीडियो पे जिसको देखा होगा। तो अभी हम दोनों चलते हैं, ज़्यादा टाइम में वेस्ट करते हैं क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा और 2:30 बज चुके हैं। तो अभी हम चलते सीधे बिलकेदार की कदरों में। तो बने रहेगा पूरी वीडियो पे और देखते रहे पूरी वीडियो। तो बाय।
जैसे कि हमने ज्योग्राफी में हमेशा पढ़ा है कि जो माउंटेन एरियाज होते हैं वहाँ पे जितने भी स्ट्रीम वाटर होते हैं वो एक पूरा फाइनली मिलके नदी में मिलते हैं, और जितनी भी नदियाँ होती है वो सारे मिलके महासागर में मिलते हैं। पीछे आप देख सकते हो कि ये पूरा गदरा आ रहा है, और यहाँ पे इतनी प्यारी हवा चल रही है ना, आप लास्ट में देख सकते हो कि ये गदरे का पानी जो है लास्ट पे स्ट्रीम वाटर जो होता है हमेशा वो रिवर वाटर के साथ मिलता है, और लास्ट में ये समुद्र में जाके मिलता है जो हम पढ़ा करते थे बुकों में, ये प्रैक्टिकली देख भी लो, ठीक है। और मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं भाई लोग, जितनी की बाइक जा रही है ना ऊपर, ये सब बिलकेदार निकल रहे हैं, और हम भी अभी बिलकेदार ही जाने वाले हैं, और आप बहुत इंजॉय करने वाले इस पूरे ब्लॉग को। चुपती जलती गर्मी का मौसम आया, आया मौसम ठंडे ठंडे गदरों का, ठंडे ठंडे गदरों का। Hey guys, welcome back in my channel, और मैं फाइनली पहुंच चुका हूं बिलकेदार, और जैसे कि आप देख चुके हो कि ठीक नीचे, अगर आपको मैं, मेरा कैमरा क्वालिटी ना अच्छा नहीं है, गरीबों वाला कैमरा है, इसलिए मैं आपको जूम करके अगर मैं दिखाऊंगा तो पिक्सल एकदम फट जाएंगे और आपको मजा नहीं आएगा, और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करोगे। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ पहाड़ों के ऐसे स्विमिंग पूल जिसको जाना जाता है यहाँ पे बिलकेदार के नाम से। जी हाँ दोस्तों, बिलकेदार जो मात्र 10 से 15 मिनट की डिस्टेंस में है, और आज हम यहाँ पे करने वाले हैं कुछ अनोखे फन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि यार जून का महीना काटना काफ़ी टफ हो रहा है, स्पेशली अगर मैं पहाड़ों की बात करूँ, जब पहाड़ों में इतनी गर्मी हो रही है जहाँ पे मौसम 38 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक फ्लक्चुएट कर रहा है, तो आई कैन इमेजिन कि आप शहर में रहने वाले लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको अभी लेके चल रहा हूँ सीधे बिलकेदार के गदरों में, और आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये एक अनदर टूरिस्ट स्पॉट हो सकता है आने वाले टाइम में, बिकॉज दिस लोकेशन इज जस्ट पॉपुलर ओनली बाय द बिलकेदार। बिलकेदार इज वेल नोन फॉर देयर स्ट्रीम वाटर जो कि आपका निकलता है पेड़ों की छाल से निकलता हुआ पानी पूरा नदी में जाके मिलता है। इसी बिलकेदार में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इस पूरे प्लेस को। आज मैं आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ इस पूरे बिलकेदार के बारे में, जो आने वाले टाइम पे इस लोकेशन को बनाने वाला है वैल्यू फॉर मनी। यानी कि एज अ रिवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये जगह काफ़ी खास है दोस्तों। आज मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे ठीक पीछे अब आप इतनी सारी बाइकें और स्कूटियाँ वगैरह देख के समझ चुके होंगे कि यहाँ पे कितने लोग नॉर्मली आते हैं, और जून के टाइम क्योंकि यहाँ पे इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, डेट्स वाई मोस्ट ऑफ द फैमिलीज, मोस्ट ऑफ द यंग पीपल्स, बैचुलर्स यहाँ पे आया करते हैं। सो वी हैव डिसाइडेड नाउ लेट्स एक्सप्लोर इट। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू इन माई वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाली जितनी भी मेरी वीडियोज है फ्यूचर में उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप टाइमली मेरी वीडियोज को वॉच कर सके। थैंक यू सो मच गाइज। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ सीधे नीचे, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए एक्सप्लोर करते हैं बिलकेदार को। इस मेरे पीछे ठीक पीछे मेरा एक और फ्रेंड है, ये भी एक यूट्यूबर है, एंड बोथ वी आर मेकिंग अ व्लॉग। सो फर्स्ट टाइम इन द यूट्यूब हिस्ट्री यू आर वॉचिंग टू यूट्यूबर्स मेकिंग सेम व्लॉग ऑफ सेम लोकेशन एंड विद डिफरेंट पीपल्स। सो वाई दिस व्लॉग इज सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर बिलकेदार के आप वीडियो सर्च करोगे यूट्यूब में तो यू विल फाउंड अ लॉट ऑफ वीडियोज, बट जिस तरह की वीडियोज हम शूट करने वाले हैं आपके लिए, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट टाइम एंड इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग एक्सपीरियंस गाइज। लेकिन एक सजेशन मैं हमेशा देना चाहूँगा कि जब भी आप बिलकेदार यहाँ पे आ रहे हो तो यू शुड बी हैव टू वेरी केयरफुल, बिकॉज यहाँ पे जो स्लोप्स हैं बहुत स्टीप स्लोप्स हैं, काफ़ी संकरे हैं, और यहाँ पे चलने का एक सबसे सिंपल पैटर्न है। सो गाइस, जब भी आप किसी माउंटेन एरिया में डाउनवर्ड उतर रहे हो तो हमेशा याद रखिए कि आपको स्टीप स्लोप्स में सीधा सीधा चलोगे तो आपके फिसलने के चांसेस और गिरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ज़्यादा बेटर है कि अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो पैर को इस तरह से लेते हुए चलिए, ताकि आपको स्टीप स्लोप में दिक्कत ना हो, क्योंकि कहीं कहीं पर इतने ज़्यादा संकरे एरिया हैं कि आप मतलब ट्रैवल करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। तो दोस्तों अभी मैं उतर रहा हूँ सीधे नीचे, और अभी जो आप पीछे नीचे की तरफ देख सकते हो कि जो स्लोप है काफ़ी ज़्यादा डेंस स्टीप स्लोप है, यहाँ पे चढ़ना और उतरना थोड़ा चैलेंजिंग है।
यहाँ पे चढ़ना उतरना थोड़ा चैलेंजिंग रहता है दोस्तों, बट आई विल ट्राई कि आपको एक एक सिंगल सिंगल स्टेप दिखा सकूँ। और ये देख सकते हो कि कितना ज़्यादा संकरा है, अगर थोड़ा सा ये आपका पैर पिसला तो बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकती है। तो बी केयरफुल वेन एवर यूर गाइज आर कमिंग इन दिस एनी टाइप ऑफ माउंटेन एरिया, एंड इफ यू आर अगर आप माउंटेन एरिया में उतर रहे हो या चढ़ रहे हो, यू शुड हैव टू बी वेरी केयरफुल ताकि आपको दिक्कत ना आए चलने में। और हम जस्ट पहुँचने वाले हैं, कहीं कहीं पे आपको डाउनवर्ड एरियाज में जंप भी करनी पड़ेगी, तो जब भी आप ऐसे कुछ एरियाज में आ रहे हो। तो दोस्तों यार काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि यार इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, कैसे इस गर्मी को दूर किया जाए, कि यार हमारे पास बिलकेदार जैसे सोर्स हैं यार, कि वाई वी आर नॉट गोइंग देयर। सो मैंने ये सोचा कि एक बार आपको इस वीडियो के थ्रू पूरा दिखा सकूं। सो फाइनली गाइज मैं पहुंचने ही वाला हूं बिलकेदार के गदरे में, एंड मेरा जो दोस्त है वो ऑलरेडी जा चुका है, तो ये दिस इज वेरी क्लोज टू मी। ये थोड़ा सा डेंस एरिया में है, आपके नीचे है, और आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फन कर सकते हो इफ़ यू आर एडवेंचर लवर, तो यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो इस पूरे एरिया को। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं बिलकेदार, मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं कि यहां पे कई सारे लोग आ रखे हैं, बॉयज गर्ल्स मेल्स फीमेल्स फैमिलीज बैचलर्स सभी के सभी यहां पे आ चुके हैं। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी टूरिस्ट हॉटस्पॉट। तो मेरी उत्तराखंड गवर्नमेंट से अनुरोध है कि कृपया ऐसे कुछ एरियाज को भी आइडेंटिफाई कीजिए ताकि इस एरियाज का रिवेन्यू निकल पाए और हमारे उत्तराखंड टूरिज्म में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट हो पाए। तो गाइज मेरे ठीक पीछे भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे यहाँ इस पोर्शन को हमें क्रॉस करके मेरे को वहाँ जाना है, और थोड़ा रिस्की है क्योंकि फ़ोन गिर सकता है मेरा पानी के अंदर, तो आई शुड हैव टू बी वेरी केयरफुल, बट इन द सेम टाइम वी आर ट्राइंग टू कलेक्ट सम ब्यूटीफुल शॉट्स देयर। तो अगर वहाँ से कुछ शॉट्स मिल जाते हैं देन आफ्टर वी विल कलेक्ट दिस शॉट जो कि यहाँ पे नहाने के शॉट हैं, तो हम थोड़ा सा ऊपर कलेक्ट, थोड़ा सा हमने डिफरेंट प्लान किया कि क्यों ना हम थोड़ा सा इस पोर्शन की ओर ट्रैवल करें, यहाँ पे दिखा सकें आपको कि असली फन भी है, और इन द सेम टाइम अगर आपको, तो आई शुड हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द मोबाइल। आई बिलीव कि यहाँ पे चलना इतना रिस्की ना हो। और मेरे ठीक पीछे देखो तो आप देख सकते हो कि हम पानी में उतर चुके हैं ऑलरेडी। देयर इज टू मच स्लीपी गाइस। आराम से यू आर हाथ पकड़ूं। सो गाइस वी शुड हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज पानी में पत्थर जो है पानी के अंदर काफी ज्यादा स्लीपी है, हाथ में पकड़ो। जो पत्थर है ना पानी में वो बहुत स्लीपी है, एंड दैट्स व्हाई इफ यू आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई विल रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार आ रहे हो तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अच्छे से रहिए। इट्स टू मच स्लीपी गाइस, आई शुड हैव टू टेक अ डिफरेंट एंगल। I think this is going to be a perfect shot because उस साइड गहरा है, उस साइड ज़्यादा गहरा है, ऊपर को। So my friend is telling कि यहाँ पे थोड़ा सा गहरा है, तो मेरे को ऐसा करो ना, पहले आई जाओ फिर बना लेना। नहीं नहीं मेरे को हाथ दे के रख देना, अबे जोर से मत खींच, आराम से। ठीक है। So guys you can easily see कि यहाँ पे कितना ज़्यादा स्लीपी है, और यहाँ पे मैं रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल दाव पे है। ठीक है, मोबाइल दाव पे इसलिए क्योंकि थोड़ा एक गलत मिस्टेक यहाँ पे हमें डुबा भी सकता है और बचा भी सकता है। तो फाइनली हम आ चुके हैं इस ओर, तो फाइनली वी हैव कम्प्लीटेड दिस टास्क, हमने उस पोर्शन को क्रॉस करके इस पोर्शन में आ चुके हैं, और नाउ यहाँ से हम लेने वाले हैं कई सारे इंटरेस्टिंग शॉट्स। आई होप कि आपको ये जो सारे शॉट्स पसंद आएंगे और यू विल एंजॉय द सिनेमेटिक शॉट्स इजिली एंड एवरीथिंग, तो बी एंजॉय दिस वीडियो टिल द एंड। गर्मी से परेशान है, अगर आप इस नगर के आसपास या श्रीनगर में रहते हैं तो आप बाथरूम का पानी वेस्ट न करते हुए गदरों के पानी में एंजॉय कीजिए। आज के ब्लॉग में मैं आपको गर्मी से दूर
फाइनली गाइस हो चुका है सारा एंटरटेनमेंट, अब हम जा रहे हैं वापस और आई होप कि आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। अगर वीडियो में मजा आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। और अगर आप भी ऐसी इंजॉयमेंट करना चाहते हो तो आई विल शेयर डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन इजिली गो एंड यू इजिली चेक आउट। अगर आप श्रीनगर में रहते हो और श्रीनगर के आसपास रहते हो तो आई डेफिनेटली एश्योरिंग कि आपके लिए ये प्लेस काफ़ी अच्छी होने वाली है इन द फ्यूचर वाइज, इन द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट एंड फॉर द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट दिस प्लेस इज गोइंग टू बी अ वेरी टूरिस्ट हॉटस्पॉट बिकॉज राइट नाउ इट इज अनएक्सप्लोर्ड राइट नाउ, दैट्स वाई देयर इज सो मच क्राउड यू कैन फाइंड हियर। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। My breath, remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice. फाइनली गाइस हो चुका है सारा एंटरटेनमेंट, अब हम जा रहे हैं वापस और आई होप कि आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। अगर वीडियो में मजा आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। और अगर आप भी ऐसी इंजॉयमेंट करना चाहते हो तो आई विल शेयर डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन इजिली गो एंड यू इजिली चेक आउट। अगर आप श्रीनगर में रहते हो और श्रीनगर के आसपास रहते हो तो आई डेफिनेटली एश्योरिंग कि आपके लिए ये प्लेस काफ़ी अच्छी होने वाली है इन द फॉर द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट दिस प्लेस इज गोइंग टू बी अ वेरी टूरिस्ट हॉटस्पॉट बिकॉज right now it is unexplored right now, that's why there's so much crowd you can find here. So please do like share and subscribe and also hit the bell icon. Milte hain next video pe, tab tak ke liye bye bye, take care.